अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना की कम्युनिटी स्प्रेड की शुरुआत से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कोरोना पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के उस बयान को डर पैदा करने वाला बताया, जिसमें सिसोदिया ने 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 5.5 लाख के पार होने की आशंका जाहिर की थी। कि लगभग जून के दूसरे सप्ताह में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बयान आया। सिसोदिया जी ने बताया कि भाई 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख तक कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे, ना जगह बचेगी ना बेड बचेंगे और एक प्रकार से स्थिति खराब होगी। इससे दिल्ली की जनता में बहुत सारा भय हुआ। उनका अनुमान जो था वो आंकड़ों के आधार पर था, मैं वो अनुमान सच गलत उसमें जाना नहीं चाहता, परंतु एक भय की स्थिति पैदा हुई। लेकिन अब आपको दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का वो बयान भी सुनाते हैं जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने डर पैदा करने वाला बताया है। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने गृहमंत्री के आरोपों पर सफाई में कहा है कि कोरोना को लेकर हम सभी का अपना अपना आकलन है और ऐसे में जबकि इस तरह के बयान पर लगातार अब एक के बाद एक वार पलटवार हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता को सामने आकर सफाई भी देनी पड़ी है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा कि दरअसल इस तरह के आकलन अपनी अपनी तरह से किए जाते हैं। हर व्यक्ति का और हर सरकार का उस समय के इन्फेक्शन रेट के आधार पर एक आकलन होता है। आपको याद होगा जब महामारी शुरू हुई थी हमारे देश में, कोरोना काल शुरू हुआ था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जैसे महाभारत 18 दिन में समाप्त हो गई, ये कोरोना वायरस भी 18 दिन में समाप्त हो जाएगा और हम इससे लड़के जीत जाएंगे। तो सब लोगों का अपना और सरकारों का अपना आंकलन होता है और उसी आंकलन के आधार पर आज आपने देखा कि तमाम सामाजिक संस्थाएं, तमाम सरकारें, अन्य एजेंसियां सब साथ आई अरविंद केजरीवाल जी के साथ। केजरीवाल जी सबके पास मदद मांगने गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने से पहले सीएम योगी ने अयोध्या के विकास के लिए अफसरों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की। हनुमानगढ़ी के बाद सीएम योगी ने रामलला के भी दर्शन किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला मंदिर परिसर में मंदिर निर्माण के कामों का जायजा भी लिया और मंदिर परिसर में एक पौधा भी लगाया। एक बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली एनसीआर में, नोएडा और गाजियाबाद में 2 फैक्ट्रियों में आग लग गई। नोएडा में एक फ्लेक्स बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई है जबकि गाजियाबाद में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई और आग की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची है और इस पर काबू पाने की कवायद शुरू कर दी गई। राजधानी दिल्ली से ही लगा उत्तर प्रदेश का ये नोएडा और गाजियाबाद का इलाका जहां 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी और काले धुएं का ये गुबार आसमान की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि तुरंत यहां तमाम मौजूद कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में फ्लेक्स बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। ये फैक्ट्री नोएडा के सेक्टर 10 में है। फैक्ट्री की 4th मंजिल पर आग लगने से तुरंत दमकल को बुला लिया गया और लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू भी पा लिया। लेकिन वहीं गाजियाबाद के कविनगर इलाके में केमिकल की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फिलहाल दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। दमकल की 10 से भी ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग इतनी भीषण है कि इसका धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली से ही लगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की यह घटना है जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई लेकिन दमकल की गाड़ियां लगातार इस आग पर काबू पाने की मशक्कत में जुटी हुई है।
सिक्किम में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से उत्तर सिक्किम पूरी तरह से कट गया है। भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो रहा है। जिधर भी नजर जा रही है, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालात का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां दौड़ रही थी, वहां तेज धार से पानी बहता दिखाई दे रहा है। सिक्किम के गंगटोक में तेज बारिश के बाद कुछ जगह पहाड़ी चट्टाने खिसकने की भी खबरें। एक चट्टान से पेड़ नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। पहाड़ खिसकने से एक मकान को भी भारी नुकसान हुआ है। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की अब तक कोई खबर नहीं है, लेकिन लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर चट्टाने खिसकने की खबरें भी आ रही है। असम में लगातार हो रही बारिश लोगों पर आफत बनकर टूटी है। बारिश के साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रिहायशी इलाकों में भी घुस गया है, और इसीलिए यह मुसीबत अब दोगुनी हो गई है, जिसकी कुछ तस्वीरें डिब्रूगढ़ से भी सामने आई है। शहर में हालात इतने खराब हो गए हैं कि सड़क का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया है। कुछ लोग एक नाव पर बैठकर वहां से गुजरते हुए दिखाई दिए। शहर में इतना पानी भर गया है कि एक जगह पर खड़ी कुछ गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूबी दिखाई दे रही। जिधर भी नजर जा रही है, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा इलाका तालाब में तब्दील नजर आ रहा है। लगातार बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। साल 2020 एक ऐसा साल जब हम बेशुमार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मानव सभ्यता के लिए यह साल तबाही और बर्बादियों का वर्ष कहा जा सकता है। कोरोना महामारी, भूकंप, जंगलों की आग, सैलाब और जंग जैसे हालात। महज 6 महीने के भीतर ही हमारे सामने कयामत की वो तस्वीर आ गई जिसने पुरानी कहानियों की दहशत हमारे जहन में फिर एक बार जिंदा कर दी। कुदरत के लिए किए गए इस बर्ताव से ये खौफनाक तस्वीरें दरअसल उस भविष्य की ओर इशारा कर रही हैं, जिसमें आने वाले 3 दशक बहुत बड़े बदलाव की पटकथा लिखने वाले हैं। यानी जिस कोरोना महामारी को हम इस दौर की सबसे बड़ी चुनौती मान रहे हैं, उससे भी कहीं बड़ा प्रलय इस वक्त हमारा इंतजार कर रहा है। वक्त के रफ्तार की सच्ची तस्वीर है ये धरती को जीवन देने वाला सूरज है। इसके बदलाव नजर नहीं आते, लेकिन धरती की हर करवट एक पल में कुछ भी बदल सकती है। कुदरत की विनाश लीला। महामारी के बीच आफत के बादल। जल से लेकर थल तक हाहाकार। कहीं कोरोना काल का संकट, कहीं भूकंप से कांपती दुनिया, कहीं आसमानी आफत का कहर, कहीं युद्ध की आहट। ये महामारी नहीं, दुनिया पर महाप्रलय का काउंटडाउन है। साल 2020 इंसानी सभ्यता और कुदरत के बीच हुए टकराव का ऐसा साल है जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। कोरोना महामारी के बीच अमेरिका के बकले में मौजूद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का एक शोध उस खतरे की ओर इशारा कर रहा है जो आने वाले 3 दशकों में इंसानी सभ्यता को पूरी तरह से बदल सकता है।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से साल 2050 तक दुनिया ऐसे खतरे की ओर बढ़ रही है जिसकी वजह से बहुत कुछ बदल सकता है। साल 2020 से 2050 तक 30 वर्षों का समय इतिहास के सबसे बदलावकारी दशकों में होगा। ग्लेशियर का पिघलना और समंदर के जलस्तर में इजाफा लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर करेगा, जिसका मतलब है कुछ जगहों पर तबाही होकर रहेगी। दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की चुनौती से जूझ रही है। रोजाना लाखों लोग इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। रोजाना हजारों लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। महामारी के इस भयावह को वैज्ञानिक एक और नई तबाही का अलार्म मान रहे हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने जलवायु परिवर्तन को लेकर जिस शोध को अंजाम दिया है उसका सीधा कनेक्शन इंसान के स्वभाव से भी जोड़कर बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा तापमान और मौसम का शिफ्ट होना हर तरह की हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से घरेलू हिंसा और गृह युद्ध के हालात भी बन सकते हैं। हालात भयावह होने की दशा में देशों में कामकाज ठप हो सकता है और व्यवस्था तबाह हो सकती है। ये एक बड़ी वजह है कि जलवायु परिवर्तन पर शोध से जुड़े वैज्ञानिक 2020 के बाद की दुनिया को एक नई प्रलय के तौर पर देख रहे हैं। अगर कोई बहुत ही बड़ा बदलाव नहीं होता तो मैं जो भविष्य देख रही हूँ वो बेहद बुरा है। वो एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें लोग एक दूसरे के प्रति बेहद निर्दयी होंगे। अगर आप सावधान नहीं होंगे तो अप्रत्याशित तौर पर क्रूरता का शिकार होंगे, और ज्यादातर लोग सावधान नहीं है। दरअसल कोरोना काल में कुदरत के कहर के कई रूपों से हमारा सामना हो चुका है। एक तरफ वायरस अपना कहर ढा रहा है तो दूसरी तरफ आंधी तूफान और बाढ़ की विभीषिका ने लोगों को डरा रखा है। इतना ही नहीं, दुनिया के तमाम इलाकों में बार बार आने वाले भूकंप के झटके भी लोगों के लिए दहशत का सबब बने हुए हैं। भयावह होती इन त्रासदियों के बीच ग्लेशियर जिस रफ्तार से पिघल रहे हैं उसने दुनिया के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी है। समंदर और ग्लेशियर पर निगरानी रखने वाली संस्था नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से आर्कटिक की बर्फ पर खतरा मंडरा रहा है। हालात ऐसे ही रहे तो बर्फ पिघलने की रफ्तार भी बनी रहेगी। आने वाले 30 सालों में आर्कटिक की सारी बर्फ गायब हो जाएगी। इसी तरह कोलंबिया विश्वविद्यालय के अर्थ इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने हिमालय पर भी शोध किया है, जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में फैली हिमालयन रेंज में तापमान 1 डिग्री से ज्यादा तक बढ़ चुका है। हिमालयन क्षेत्र में ग्लेशियर दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 650 ग्लेशियरों पर खतरा मंडरा रहा है। शोध में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि अगर हिमालयन क्षेत्र में इसी रफ्तार से ग्लेशियर पिघलते रहे तो हिंद कुश क्षेत्र के 8 देशों में हिमालयन सुनामी आ सकती है, जिनमें भारत, चीन, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान शामिल हैं। ठीक इसी तरह आर्कटिक में बर्फ पिघलने का सीधा मतलब यही है कि समंदर के जलस्तर में बेहिसाब इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से समंदर के किनारे बसे इलाके आने वाले 3 दशकों में समंदर में समा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो न्यूजीलैंड, अमेरिका का न्यूयॉर्क और मालदीव जैसे इलाकों को समंदर पूरी तरह लील सकता है। तापमान में बढ़ोतरी और मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का ही नतीजा है कि बीते 5 दशकों में भारत के समुद्री तटों पर 8.5 सेंटीमीटर तक पानी बढ़ चुका है, और अगर आने वाले वक्त में सुधार नहीं हुआ तो मुंबई और कोलकाता जैसे शहर भी समंदर में डूब सकते हैं।
जाहिर है हम जिस महामारी को अपने समय की सबसे बड़ी त्रासदी मान रहे हैं, असल में उससे भी बड़ी और भयानक प्रलय आने वाले 30 सालों में हमारे सामने आ सकती है। असल में दुनिया का इतिहास ऐसी कई घटनाओं का गवाह रहा है जब कुदरत ने न सिर्फ एक झटके में मानव सभ्यताओं को नष्ट कर दिया बल्कि हमारे धर्मग्रंथ भी कयामत के दिन का जिक्र करते रहे हैं। तो क्या वास्तव में कोरोना महामारी को तबाही और बर्बादी की सिर्फ एक झांकी माना जा सकता है, जबकि प्रलय का असली काउंटडाउन तो अभी हमारा इंतजार कर रहा है। अचानक कैसे गायब हो गए डायनासोर? कैसे खत्म हो गई दुनिया की सबसे खुशहाल सभ्यता? क्या 2020 से 2050 तक वही होगा जो पहले हो चुका है? क्या धरती पर फिर कोई प्रलय इंतजार कर रही है? जो सभ्यता इस वक्त कोरोना के कहर से कांप रही है वही मानव सभ्यता इतिहास में उन घटनाओं की भी गवाह रही है जिसने तबाही और बर्बादी का एक लंबा दौर देखा है। कौन जानता था कि 10 करोड़ साल तक धरती पर राज करने वाले डायनासोर अचानक इस धरती से गायब हो जाएंगे? लेकिन वैज्ञानिक दावा करते हैं 6.6 करोड़ साल पहले धरती से एक उल्कापिंड टकराया। उल्कापिंड के धरती से टकराने के बाद तापमान तेजी से बढ़ गया। इस वजह से धरती का सबसे बड़ा जीव यानी डायनासोर विलुप्त हो गया। करोड़ों साल पहले हुई ये वो कुदरती त्रासदी थी जिसकी पड़ताल में वैज्ञानिक आज भी जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, 1500 ईसा पूर्व ग्वाटेमाला, मेक्सिको, होंडुरस और युकाटन में जिस माया सभ्यता का प्रभाव देखा जाता था उस कैलेंडर में भी मानव सभ्यता के खात्मे की तारीख तय थी। माना जाता है कि माया सभ्यता के कैलेंडर की आखिरी तारीख को ही दुनिया की आखिरी तारीख माना गया था। ये तारीख